ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधरगोस्वामीति नामिने गुरवे गौरचंद्राय राधिका स्प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु ओम जय ओम विष्णुपाद सुदर्शन श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री श्री गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। उसके उपरांत यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। कल भी मैंने कुछ सुनाने की चेष्टा करी थी। गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बाल्यकाल से कुछ घटनाएं मैंने कल भी बताई थी, उनकी कथा एक दो श्रवण कराई थी। आज फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चैतन्य महाप्रभु के बाल्यकाल से ही एक कहानी सुनाई। तो एक समय ऐसा होता है कि एक न जाने एक ब्राह्मण कहाँ से घूमते घूमते अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते करते नवदीप धाम में पहुँच जाता है। वह जो ब्राह्मण था गोपाल मंत्र में दीक्षित था और श्री हरि नाम श्री हरि की उपासना किया करता था। इस ब्राह्मण को देखने से ऐसा लगता था मानो उसके शरीर से कोई दिव्य तेज जो है निकल रहा हो, और बहुत तेज निकलता था उसके शरीर से, और हर समय वो श्रीमन नारायण का स्मरण करता था। कृष्ण नाम का ही उच्चारण वो अपनी जिह्वा से हर समय करता रहता था। यह ब्राह्मण घूमते घूमते एक दिन जो है श्री जगन्नाथ मिश्र जी के घर आंगन में आ जाता है, और इस ब्राह्मण को देख करके श्री जगन्नाथ मिश्र जी भी बड़े चकित रह जाते हैं। देखते हैं कितना तेजस्वी ब्राह्मण है, और वो उनको जो है झुक करके प्रणाम करते हैं। झट से देख करके अपने आसन से वो खड़े हो जाते हैं, और फिर श्री जगन्नाथ मिश्र जी इन ब्राह्मण को जो है बैठने के लिए एक उचित आसन प्रदान करते हैं। ब्राह्मण के सुखपूर्वक आसन पर बैठने के बाद जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपका निवास स्थान कहाँ से आए हैं आप ब्राह्मण देवता? इस तरीके से पूछ करके जगन्नाथ मिश्र ने उनसे प्रश्न किया है। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया है, वह तो एक विरक्त देशांतरी है। विरक्त देशांतरी इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग जगह पर विचरण करने वाला, जो कभी भी किसी एक जगह पर स्थिर ना रह करके अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में प्रदेशों में घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो है एक इंट्रोडक्शन दिया है ब्राह्मण ने कि मैं तो एक जो है क्या हूँ, देशांतरी हूँ, विचरण करता रहता हूँ अलग अलग जगहों पर। तथा उन्होंने बताया कि उनका चित्त जो है विक्षिप्त है। विक्षिप्त मतलब अभी भी जो है असमंजस में है, उलझा हुआ है, उन्हें कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि उनका चित्त अभी भी विक्षिप्त है, और विक्षिप्त होने के कारण वह जगह जगह पर भ्रमण कर रहे हैं। ब्राह्मण की बातों को सुनकर जगन्नाथ मिश्र ने पुनः ब्राह्मण को प्रणाम किया और बोलते हैं, यह तो आपकी उदारता है ब्राह्मण देवता, जो आप अपने आप को जो है इतना नीच समझ करके या फिर ऐसा बता रहे हैं कि मैं तो एक विक्षिप्त हूँ, मतलब जो जगह जगह पर विचरण कर रहा हूँ या मेरा कोई अभी कन्फर्मेशन नहीं है। आप तो महापुरुष हैं, तो जगत और महापुरुष तो इस जगत में आते ही किस लिए हैं? जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, और जीवों का कल्याण वो कैसे करते हैं? अलग अलग जगहों पर भ्रमण करके। इस तरीके से वो जो है साधु का आदर करते हैं, श्री जगन्नाथ मिश्र जी ब्राह्मण से कहते हैं। और जगन्नाथ मिश्र जी ब्राह्मण से कहते हैं, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप जो है मेरे घर आंगन में पधारे हो। और फिर कहते हैं, ब्राह्मण, मैंने सुना है आप तो स्वयं पाकी हो। स्वयं पाकी का मतलब क्या होता है? जो खुद से भोजन को बना करके ठाकुर को भोग निवेदन करके और फिर प्रसाद को पाते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं, ब्राह्मण देवता, मैंने तो सुना है आप स्वयं पाकी हो, इसलिए ऐसा करता हूँ, मैं कुछ भोजन की सामग्री को इकट्ठा करवा देता हूँ या फिर आपके समक्ष प्रस्तुत करा देता हूँ, ताकि आप उसको जो है भोजन बनाएं और ठाकुर को भोग लगा करके प्रसाद इत्यादि आपस आप भी पाएं और हम सब भी फिर उस प्रसाद को पाएंगे। इस तरीके से जगन्नाथ मिश्र ने पूरी व्यवस्था करा दी और ब्राह्मण ने जो है रसोई बनाना आरम्भ कर दिया। अब विप्र ने प्रसन्नतापूर्वक रसोई बनाना आरंभ किया और श्री हरि को भोग लगाने के लिए बैठ गई। जैसे ही ब्राह्मण ने भोग लगाना आरंभ किया तो अंतर्यामी श्री शचिनंदन गौर हरि दर्शन देने की इच्छा करते हुए, मतलब वो चाहते हैं कि मैं अपने भक्त को जो है दर्शन दूं, क्योंकि वो मेरे ही खोज में यहाँ तक आ पहुँचा है। तो ब्राह्मण अपनी आंखें बंद कर लेता है और ध्यानमग्न हो जाता है, ठाकुर को भोग लगाता है रसोई बनाने के बाद। जैसे ही वो भोग लगाने के लिए अपनी आंखों को बंद करता है,
तो वो एक कुछ आहट से सुनता है, कुछ आवाज उससे प्रतीत होती है, जैसे कि कोई आया हो और किसी ने छटपट करी हो वहां पर, तो उसकी आंखें जो है एकदम चकित होकर के खुल जाती हैं। तो वो क्या देखता है वहां पर, श्री गौर सुंदर उनके सामने बैठे हुए थे और निमाई का जो शरीर था उस समय धूल से बिल्कुल लथपथ था, और तथा उन्होंने भोग सामग्री के में से जो ठाकुर जी को ब्राह्मण देवता ने भोग सामग्री अर्पित की हुई थी उसमें से एक मुट्ठी अन्न को निकाल करके अपने हाथों में ले रखा था और उसको झूठा कर दिया था। इसी प्रकार की आहट को सुन करके और जब ब्राह्मण देवता ने देखा अरे इसने तो झूठा कर दिया सारा, तो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं हाय हाय ये क्या कर दिया नन्हे से बालक ने, देखो इसने किस तरीके से, मैंने तो ठाकुर को भोग अर्पण किया था और इसने इसको झूठा कर दिया। चिल्लाने की आवाज़ को सुन करके कौन आ जाता है वहाँ पर, श्री जगन्नाथ मिश्र जी आ जाते हैं। वो सोचते हैं अरे क्या हुआ, चलो देख कर के आता हूँ। तो जगन्नाथ मिश्र जी जब वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा निमाई भोग खा रहा है और वह निमाई के ऊपर क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के लिए कहने लगे अभी तेरी पिटाई लगाता हूँ और उसके पीछे जो है दौड़ने लगे। लेकिन ब्राह्मण क्या कहता है, जगन्नाथ मिश्र जी आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, यह तो बालक ना समझ है, अज्ञान है, अगर इसे ज्ञान होता तो क्या ये कभी भोग को जो इस तरीके से उठाता जब तक कि वो अभी तक ठाकुर जी को सिर्फ निवेदित ही किया गया था ऐसा नहीं। तो इस तरीके की बातों को कहकर के जगन्नाथ मिश्र जी को रोक दिया जाता है, ब्राह्मण उनको रोक देते हैं कि आप उस बालक की जो है पिटाई ना कीजिए, वो तो अभी अज्ञान है और उसे भगवान की इच्छा ही जानिए, तथा आपके घर में कुछ भी जो फलमूल हो आप उसे ले आइए, मैं अब जो है ठाकुर को वो ही निवेदित कर दूंगा और उसी से ही प्रसाद भी मैं पालूंगा। लेकिन जो है जगन्नाथ मिश्र जी दीनतापूर्वक विप्र से जो है विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप पुनः जो है रसोई बना करके ठाकुर को निवेदन करिए और निवेदन करेंगे तो आपकी अति कृपा होगी, क्योंकि ब्राह्मण देवता तो कह रहे हैं कि मैं फलमूल जो है वही आप ले आइए और उसी से ही ठाकुर को भोग लगा दूंगा, वही फिर ठाकुर पालेंगे। लेकिन जगन्नाथ मिश्र जी अभी जो है मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये हमारे बच्चे से जो है इस तरीके से गलती हो गई, आप उसको क्षमा कर दीजिए और मैं आपके दोबारा से रसोई बनाने की सभी सामग्री की व्यवस्था कर देता हूँ, आप दोबारा से पुनः रसोई को बनाइएगा और क्या करेंगे फिर दोबारा से ठाकुर को निवेदित कीजिएगा। ब्राह्मण ने जगन्नाथ मिश्र की बात को माना और पुनः रसोई बनाने लगे, वो दोबारा से रसोई बनाने लगे। अब जो है आसपास में खड़े हुए लोग सब देख रहे थे कि किस तरीके से पहले इस छोटे से बालक नटखट निमाई ने कैसे आकर के ठाकुर के भोग को झूठा कर दिया। तो अब वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि इस निमाई को ध्यान रखेंगे कि कहीं अब की बार दोबारा से जब ये निवेदित करें तो ये दोबारा आकर के उसको छपट ना ले या झूठा ना कर दें। तो इन सब बातों को सुन रही होती है उनकी मैया जो सची माता है, वो भी इन बातों को सुन रही थी। तो उन्होंने क्या किया, निमाई को उठाया और गोदी में लेकर के कहने लगी मैं पड़ोस की स्त्रियों के घर में चली जाती हूँ, फिर देखती हूँ ये कैसे जो है ठाकुर के भोग को जो है झूठा कर देगा। तो इस तरीके से वो वहाँ पर ले जाती हैं पड़ोस में उन स्त्रियों के पास। अब वहाँ पर जब वो पहुँची पड़ोस में तो कुछ स्त्रियाँ उनके साथ जो है हंसी मजाक कर रही हैं, चिढ़ा रही हैं, अरे अच्छा अरे निमाई तूने ही ठाकुर का भोग झूठा किया, ऐसे ही झूठा करते हैं क्या ठाकुर के भोग को, तुझे पता नहीं है कि जब तक कि वो पूरा भोग नहीं लगता और प्रसाद नहीं बनेगा तब तक कैसे वितरित होगा और तूने उसको जो है पहले ही झूठा कर दिया। तो निमाई कहते हैं ब्राह्मण ने तो मुझे खुद ही बुलाया था इसीलिए मैं चला गया, इससे मेरा क्या दोष है, इसमें मैंने थोड़ा ना अपनी मर्जी को ही चलाई है, ब्राह्मण ने घंटी बजाई थी, बुलाया था, निवेदन किया भोग तो मैं चला गया, वरना मेरा इसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं है, निजी स्वार्थ नहीं है। तो स्त्रियां कहती हैं निमाई न जाने ब्राह्मण किस कुल का होगा और तुमने उसके हाथ का खा लिया, अब तो तुम्हारा जो है अब तो तुम्हारी जाति भी नष्ट हो गई, अब तो हम तुम्हें जो है प्यार नहीं करेंगे या तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं हो, अब तुम क्या करोगे। तो देखिए छोटा सा बालक जो निमाई है वो कैसे फिर वहाँ लोगों को समझाता है। निमाई कहते हैं मैं तो गोपी जाति का हूँ, एक ग्वाला हूँ, सर्वदा ब्राह्मण के ही हाथों का खाता हूँ और ब्राह्मण के ही हाथों के खाने से कोई क्या जाति नष्ट हो जाती है, अब बताओ मुझे कि मैं तो ब्राह्मण के ही हाथों से खाने वाला हूँ और मैंने तो ब्राह्मण के ही हाथ का खाया है क्योंकि उसने तो निवेदित किया था ठाकुर को भोग, तो क्या मेरी जाति नष्ट हो गई। इस तरीके से कहकर के वो वहाँ पर स्त्रियों को जो है समझाते हैं। इसी प्रकार निमाई की अनोखी बातें सुनकर के सभी लोग वहाँ पर हंसने लगे। इधर पुनः ब्राह्मण देवता ने भोग लगाना आरम्भ किया तो अंतर्यामी श्री गौर सुंदर ने सबको जो है मोहित कर दिया और मोहित करके भोग प्रसाद में से एक मुट्ठी अन्न को दोबारा से फिर से खा लिया।
और इसी फिर वही दोबारा वृतांत ऐसे ही हुआ, छठ करके फिर दोबारा से ब्राह्मण देवता की आंखें खुली और उन्होंने देखा कि ये तो वही बालक है जिसको अभी इनकी मैया बाहर ले गई थी, और ये तो फिर पता नहीं न जाने कहां से यहां आ गया है और इसने दोबारा से ठाकुर का भोग जो है झूठा कर दिया। फिर वही प्रतिक्रिया हुई, उस आहट की आवाज़ को सुन करके जगन्नाथ मिश्र आए और वो फिर बालक निमाई के ऊपर चिल्लाने लगे, ब्राह्मण की आवाज़ सुन करके वो वहाँ पर आ गए और उसके ऊपर चिल्लाने लगे और आज बोलते हैं आज तो तुझे जो है पीट पीट करके तेरी बुद्धि ठीक कर दूंगा, तू बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, दोबारा से तूने जो है ठाकुर को निवेदित किया हुआ भोग को झूठा कर दिया है। इस तरीके से वहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों ने समझाया जगन्नाथ मिश्र को, पंडित जी ने भी समझाया ब्राह्मण देवता ने, लेकिन फिर क्या कहते हैं लोग बोले अरे जगन्नाथ मिश्र इतना क्रोध आपके लिए जो है अच्छा नहीं है, आप तो बड़े ही दयालु हैं, अतः निमाई का स्वभाव तो चंचल है, इसलिए आप इसको जो है क्षमा कर दें। वहाँ उपस्थित लोगों की बात सुनकर के जगन्नाथ मिश्र शांत हो जाते हैं। ब्राह्मण बोले इसमें बालक का कोई दोष नहीं है, वास्तव में आज मुझे ऐसा लगता है कि श्री हरि श्री भगवान मेरे अन्न के भोग को जो है ग्रहण ही नहीं करना चाहते। यह सुनकर के जगन्नाथ मिश्र को बड़ी लज्जा महसूस हुई, वो बहुत लज्जित हैं, सिर झुका करके खड़े हो गए कि अब मैंने तो बड़ी विनती करके ब्राह्मण देवता से दोबारा कहा था और उन्होंने मेरी विनती को स्वीकार करके दोबारा से ठाकुर को निवेदित भी किया भोग, लेकिन इस बालक ने नटखट ने तो दोबारा से आकर के भोग को झूठा कर दिया। बड़े ही लज्जित हैं यहाँ पर जगन्नाथ मिश्र। तभी कहीं से उनके पुत्र विश्वरूप वहाँ पर आ पहुँचते हैं, विश्वरूप जगन्नाथ मिश्र के बड़े पुत्र हैं, और जब वो वहाँ पर आ पहुँचते हैं तो ब्राह्मण उनको देखता है, तो ब्राह्मण उनके जनेऊ को देखता है, विश्वरूप में से निकल रहा तेज को देखता है, इन सब चीज़ों को देख करके ब्राह्मण बड़ा चकित रह जाता है, ये अद्भुत बालक कौन है। तब वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों से ही पूछते हैं ब्राह्मण कि ये बालक कौन है, तो वे बताते हैं कि ये श्री जगन्नाथ मिश्र जी के ही बड़े पुत्र विश्वरूप जी हैं। तब विश्वरूप फिर उनसे बात करते हैं ब्राह्मण से, उनको पता चलता है कि किस तरीके से उनके छोटे भाई ने पूरा भोग जो है नष्ट कर दिया। तो विश्वरूप जी उनके ब्राह्मण देवता से जो है बात करते हैं और उनको कहते हैं कि अरे बहुत बड़ी जो है गलती हो गई है हमारे से और हम अब की बार जो है इस बच्चे को कमरे में बंद ही कर देंगे, आप चिंता ना करिए ब्राह्मण देवता, आप एक अवसर हमें फिर से दे दीजिए, आप तो करुणा के सागर हैं, आप तो दयालु हैं, इस तरीके से कह कह करके उनकी विनती करके और विश्वरूप जी ने दोबारा से जो है ब्राह्मण देवता को मना लिया, किसके लिए दोबारा से रसोई बना करके और ठाकुर जी को निवेदित करने के लिए। इस तरीके से अब उन्होंने ब्राह्मण देवता ने क्या किया, दोबारा से रसोई बनाना शुरू कर दिया और रसोई बना करके ही अब देखा जगन्नाथ मिश्र ने कि निमाई जो है कमरे में सो रहा है, तो उन्होंने सोचा चलो बहुत अच्छा हो गया, अब की बार से बाहर भी भेजना नहीं पड़ेगा, ये तो सो रहा है कमरे में, इसे क्या पता चलेगा कि ठाकुर को भोग निवेदित हो रहा है। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता वो तो सो रहा है निमाई तो, और आप जो है अपना भोग लगाना शुरू कीजिए। अभी यहाँ क्या होता है कि निमाई ने अपनी निद्रा देवी को जो है आदेश दिया कि यहाँ पर जो है आप सबको सुला दीजिए, और सबको सुला देंगे तो मैं जो है ये बार बार घंटी बुला बजाता है, मुझे भोग निवेदित करता है, मुझे खुद बुलाता है और फिर देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। अब मुझे लगता है कि इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे, इसे समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से तुम ही तो मुझे बार बार बुलाते हो, इसीलिए मैं जो है चला हुआ आता हूँ। फिर ब्राह्मण देवता ने जो है दोबारा से भोग को निवेदित किया है ठाकुर को, घंटी बजाई, इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु फिर दोबारा से आकर के उनके समकक्ष वहीं पर बैठ जाते हैं और फिर वो वही जो है चिल्लाना शुरू करते हैं, उसी प्रकार चिल्लाते हैं उसी, और देख करके गौर सुंदर बोले हे विप्र तुम बड़े भोले भाले हो, पहले तो तुम मेरा मंत्र जाप करके मुझे आह्वान करते हो और जिस कारण तुम्हारे निकट आकर के तुम्हारे प्रेम पूर्वक अर्पण किए भोग को मैं ग्रहण करने के लिए कोशिश करता हूँ, बिना ग्रहण किए ही तुम मुझे मेरे ऊपर चिल्ला पड़ते हो, कहते हो हाय हाय ये क्या कर दिया ये क्या कर दिया। उसी क्षण विप्र ने भावनापूर्वक अपूर्व अष्टभुजा फिर क्या करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तुम्हें आज दर्शन दूंगा ही, उस समय ठाकुर जी फिर उस ब्राह्मण को अष्टभुजाओं में जो है दर्शन देते हैं, जिसमें एक हाथ में उनके जो है शंख है चक्र है गदा है पद्म है पूरा, और एक हाथ से वो माखन मिश्री खाते हुए ठाकुर जी फिर जो है एक हाथ से वो दो हाथों से वो बांसुरी बजा रहे होते हैं, इन सब चीज़ों के साथ वो जो है ब्राह्मण देवता को दर्शन देते हैं।
फिर ब्राह्मण देवता जब देखता है, अरे ये तो साक्षात भगवान है, इन्होंने अपनी लीलाएं मुझे दिखाई हैं, तब वो जो है उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है कि मैं ही आपको जो है ठाकुर जी समझ नहीं पाया, आपकी लीलाओं को मैं समझ नहीं पाया और मैं बड़ा जो है मूढ़ी हूँ, अज्ञानी हूँ। इस तरीके से फिर वो उनके चरणों में बड़ा निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बाल्यकाल में कृष्ण की तरीके से ही बहुत सारी लीलाएं करी हैं। गौर प्रेमानंद ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदलाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। एक साथ बोलिए सब प्रेम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। अभी हम पिछले कई दिनों से इतनी सुंदर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की कथाएँ सुन रहे हैं, तो लेकिन मेरा जो आज का विषय है वो है कोरोना और भगवान। थोड़ा मैं इसके विषय में थोड़ा बोलना चाहूँगा क्योंकि अभी की जो स्थिति है ना, कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके ऊपर कोरोना का प्रकोप ना पड़ा हो, या किसी की कोई ऐसी फैमिली नहीं है, कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जिसमें कोई आदमी जिसने यहाँ से शरीर ना छोड़ा हो। कहीं ना हर किसी के घर में, रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में हर किसी की घटना हुई है। लेकिन हुआ कि इसका फ़र्क क्या हुआ, कुछ लोग बड़े नास्तिक हो गए, उनका भगवान से विश्वास ही उठ गया। अभी मेरे ऑफिस की बात है, मेरे एक मित्र का मेरे पे फ़ोन आया कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई और उसका बच्चा बड़ा छोटा है, तो मेरे को बोलने लगा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो मैंने उसको समझाया कि भगवान कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करते, तो मैं वही थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। अभी कुछ समय पहले एक अखबार में खबर आई थी, एक 80 साल के वृद्ध ने कोरोना की जंग जीत ली और रो पड़ा। तो जब पढ़ा अखबार तो उसमें क्या लिखा था, एक 80 साल का बूढ़ा हॉस्पिटल गया, उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई वो हॉस्पिटल गया और उसको डॉक्टरों ने उसको वेंटिलेटर में रखा, ऑक्सीजन चढ़ाई, 3-4 दिन ऑक्सीजन में रखा और वो ठीक हो गया। उसके बाद जब डॉक्टर ने उसको उसका बिल दिया तो बिल देख के ना वो रो पड़ा, वो बिल देख के रो पड़ा। तो जो डॉक्टर थे ना उनको बड़ी उस पर दया आ गई, उन्होंने कहा ये बड़ा बूढ़ा है, 80 साल का बूढ़ा है ना, तो एक काम करते हैं इसका हम थोड़ा डिस्काउंट कर देते हैं। तो डॉक्टर ने कहा हम जो हमारा कॉर्पोरेट डिस्काउंट होता है ना, हमें मिलता है डॉक्टरों को, हम इसको दे देते हैं। तो उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए और बोला कि बाबा रो मत, हम आपका बिल कम कर देते हैं, हम आधा कर देते हैं। तो बाबा बोले बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा, मेरा इतना बिल आया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपने मुझे 4-5 दिन यहाँ रखा हॉस्पिटल में और मेरा लाखों का बिल बना दिया, सिर्फ मुझे ऑक्सीजन दी 4-5 दिन और मेरा लाखों का बिल बना दिया। मैं इसलिए रो रहा हूँ जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने मुझे 80 साल तक ऑक्सीजन दी, उसने आज तक मुझे कभी बिल नहीं मांगा, उसने मुझसे आज तक कभी बिल नहीं मांगा, और तुमने मुझे अभी 4 दिन रखा वेंटिलेटर में, 4 दिन ऑक्सीजन दिया, बिल मांग लिया है। तो बूढ़ा रोने लगा, कह रहा मैंने अपना जो जीवन था ना बर्बाद कर दिया, अब मैं अपना सारा जीवन जो मेरा थोड़ा बहुत बचा है ना मैं भगवान का नाम करूँगा और भगवान को दूंगा, कम से कम भगवान का धन्यवाद कर सकूँ, मैं भगवान का बड़ा धन्यवाद करूँगा। तो ये सोच सोच के रो रहा था। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात, अभी आप लोगों ने एक नाम सुना होगा सोनू सूद, बड़ा फेमस हो रहा है, जानते हो कौन है, कौन है, एक्टर है, बिल्कुल माता जी ने सही बताया, एक एक्टर है।
सोनू सूद, उसको उसने क्या करा अभी, लोगों को ऑक्सीजन दी, लोगों को बस में बिठा के घर पहुंचाया, खाना खिलाया, किसी को इंजेक्शन किया था इंजेक्शन पहुंचाया कोरोना का, है ना, बड़ी मदद की। लोगों ने क्या बोला कि भैया सोनू सूद क्या है, भगवान के समान है, उसका अभिषेक कर रहे हैं, आप वीडियो देखना, उसका दूध से अभिषेक हो रहा है, हैं, उसका अभिषेक हो रहा है दूध से। और जिन लोगों के घर में किसी की डेथ हो गई वो क्या कह रहा है, हाय रे भगवान कितना निर्दयी है, कितना दुष्ट है भगवान, इसको हम पे दया नहीं आई, इसके बच्चे, किसके बच्चे अनाथ हो गए, ये भगवान कैसा है, सारा पिटारा किस पे फोड़ दिया, भगवान के ऊपर, ये भगवान ही ऐसा है। मतलब जो भगवान जिंदगी भर तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है उसका कुछ नहीं, जिसने, मैं देखो उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो जो व्यक्ति कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसने दो चार दिन किसी को दे दिया ऑक्सीजन दे दी तो भगवान हो गया, उसका अभिषेक हो रहा है। और जो वास्तव में जो भगवान हमें दे रहा है उसके लिए क्या, उसके लिए भैया सब कह रहे हैं निर्दयी है, बड़ा ये दुष्ट है, भगवान की पूजा वूजा छोड़ो बंद करो, भगवान अगर कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, देखो भगवान ने ना सा भगवद गीता में, हम जो लोग हैं ना पढ़े लिखे हैं जो पढ़ते नहीं है ये उनके लिए, भगवान ने भगवद गीता में दूसरे अध्याय में 27वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च, कि भैया जिसके जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हो गई होगी, तुम क्यों शोक कर रहे हो, भैया जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये भगवान ने पहले ही बता दिया भगवद गीता में। फिर तो लोग सोचते हैं हम मरेंगे नहीं, वो क्यों मरा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने सृष्टि बनाई है उसके बारे में सब कुछ पहले से लिखा गया है, कोई व्यक्ति इस संसार में परमानेंट रह ही नहीं सकता। एक नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है कि उसमें बताया गया है कि आयु कर्म चा वित्तम चा विद्या निधन मेव चा पंचे तानिया भी सृजनते गर्भस्थेस्था देहिना, गर्भ में आते ही मनुष्य की पांच चीजें फिक्स हो जाती हैं, आयु कर्म वित्त धन विद्या और निधन, ये पांच चीजें पहली फिक्स हो जाती हैं। तो जब ये पांच चीजें पहली फिक्स हो गई, इसमें देखो सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं इसमें कुछ दोष है, इस श्लोक में आयु और मृत्यु कहते हैं दोनों समान ही वाला, भैया किसी की आयु कितनी है और वो कब मरेगा ये तो बात बराबर है, नहीं, इसमें बताया गया उस व्यक्ति की आयु कितनी है और मृत्यु जो निधन बताया गया है उसमें तीन चीज होती है, कब कहाँ कैसे। मृत्यु हमेशा हर किसी व्यक्ति की फिक्स होती है। अभी कुछ दिन पहले गुरुदेव बता रहे थे ना कथा में, दो चार उपस्थित हुए कि यमराज जी बाहर आए तो इधर उधर देखने लगे, तो गरुड़देव ने पूछा क्यों महाराज जी क्या देखते हो, कह रहे यहाँ पर एक पक्षी देखा था मैंने, वो कहा है, कह रहे क्यों क्या हुआ, कह रहे नहीं मुझे, मैं उसको देख रहा हूँ। तो गरुड़देव ने पूछा आप जब उसको देख रहे तो मुस्कुरा क्यों रहे थे, कह रहे मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था मैंने कहा आज भगवान का विधि का विधान फेल हो गया, कह रहे भगवान का विधि का विधान फेल हो गया, कह रहे हाँ, कह रहे मैंने देखा इसकी मृत्यु यहाँ से सात समुद्र पार एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी गुफा में एक सांप के खाने से होनी है, लेकिन मैंने देखा तो इसका तो पंख टूटा पड़ा है, ये तो दो कदम चल नहीं सकता और इसकी मृत्यु भगवान ने इतनी दूर रखी है तो इसकी मृत्यु कैसे होगी, तो मैं इसलिए ऐसा रहा था। तो गरुड़देव से पूछा कि वो कहाँ है, तो गरुड़देव ने भैया अपने सर पे हाथ रख के बड़े परेशानी से होकर बोले कि मैं उसको वहीं छोड़ के आ गया, मैं तो उसको वहीं छोड़ के आ गया। तो देखो भगवान ने हर किसी व्यक्ति का फिक्स किया हुआ है कि कब उसकी कहाँ मृत्यु होगी, किस कब होगी, कैसे होगी और किस कारण से होगी। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना अगर वो व्यक्ति वहाँ नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता, वो यहाँ नहीं आता तो ऐसा नहीं होता, ये सब कहने की बात है। हर किसी का पहले हर चीज़ फिक्स है, ये पांच चीज़ें पहले से फिक्स हो गई है, है ना। तो अब ये भैया इससे कोई बचने का तरीका है, कुछ इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, प्रश्न होता है ना, हाँ इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो पहले मैं जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, अभी ये कोरोना कब आया था, कोरोना में लॉकडाउन सबसे पहले कब लगा था, कोई बताएगा, 24 मार्च 2020। बिल्कुल गलत, सबसे पहले लॉकडाउन लगा था द्वापर युग में। अब बोले द्वापर युग में, अरे द्वापर युग में तो नरेंद्र मोदी था ही नहीं, है नरेंद्र मोदी तो था ही नहीं, लेकिन उस समय क्या थे, भगवान कृष्ण, सबसे पहले लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन का मतलब क्या है, किसी चीज को बंद करके कि बाहर मत निकलना, बाहर खतरा है। तो इस विषय में देखो कथा आती है, तो कथा दो तरीके से आती है, एक कथा ये आती है कि एक बार जो जो गुरुदेव थे उनके पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, उनके पुत्र का नाम क्या था, अश्वस्थामा। तो अश्वस्थामा को बताया गया, एक हाथी भी था अश्वस्थामा,
जब उसको मारा गया तो वहाँ एक पक्षी था और उसके अंडे वहाँ रह गए थे युद्ध स्थल में। तो एक कथा ये आती है। एक दूसरी कथा है, मैं अभी आपको सुनाता हूँ। तो देखिए, कथा कहते हैं कि हमेशा दो तरीके से हो सकती है, लेकिन मुख्य होता है उसकी शिक्षा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हमारे श्रील प्रभुपाद जी ये कभी आम नहीं खाते थे। तो इनके विषय में वैष्णव लोग बताते हैं कि बचपन में एक बार इनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी घर में आम लेके आए थे। आम लेके आए तो इन्होंने वो आम खा लिए, है ना। तो बाद में जो भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, उन्होंने पूछा कि तुमने आम क्यों खा लिए, हमने तो इन्हें अभी भगवान को ऑफर ही नहीं किया था, है ना। तो उन्होंने उस दिन से प्रण कर लिया कि मैं आम नहीं खाऊंगा। तो एक तो शिक्षा ये है, लेकिन एक वैष्णव कथा ये भी बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी के मन में इच्छा हुई सर्दियों के महीने में बिना मौसम के कि काश मुझे आम खाने को मिल जाते। तभी क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, एक पेटी आम उनके घर में देके चला गया। कौन देखे क्या पता नहीं। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, उन्होंने देखा ये आम कहाँ से आ गए, वो भी बिना सीजन के। तो प्रभुपाद जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे मन में आम खाने की इच्छा हुई थी। तो उन्होंने कहा भगवान स्वयं देखे गए। तो दो कथाएं, तो उन्होंने उस दिन से प्रण कर लिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि तुम भैया, तुम्हारी आम की इच्छा क्यों की तुमने, तुम्हें हमें सेवा करनी है, सेवा लेनी नहीं है, है ना। तो उस दिन से प्रभुपाद जी ने प्रण कर लिया कि मैं आम नहीं खाऊंगा। तो देखो, दोनों कथाएं जो भी है, लेकिन शिक्षा मूल है, है ना। इसमें शिक्षा क्या मिलती है, ये है कि भैया भगवान को बिना ऑफर किए नहीं खाना, या भगवान से हमें सेवा लेनी नहीं है, सेवा देनी है। तो उसी तरह इसमें कथा आती है, एक बार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला था, है ना, पांडव और कौरव के बीच युद्ध होने वाला है। अब कौरवों की सेना ने, कौरवों ने क्या करा, रास्ता बनाया वहां जाने का। तो रास्ते में बहुत सारे पेड़ थे, उन पेड़ों को तोड़ दिया कि युद्ध का सामान जाएगा, घोड़े हाथी जाएंगे, तो वहां तब क्या करेंगे, हम सारे पेड़ उखाड़ दिए। तो जो पेड़ उखाड़े थे, उनके पास एक हाथी था अश्वत्थामा नाम का। उस समय जो मनुष्य था ना, उसकी हाइट कितनी होती थी, नॉर्मल 12 फीट, द्वापर युग में 12 फीट हाइट थी। तो लगा लो 3 गुना हाथी था उनका, कितना हो गया 36 से 40 फीट का हाथी उस समय, इतने बड़े बड़े हाथी थे उस समय। तो उन्होंने वो एक जो अश्वत्थामा हाथी था, सारे पेड़ गिरा दिए, वहां से पूरा रास्ता बना दिया। तभी वहां से भगवान कृष्ण अर्जुन भी गए निरीक्षण करने के लिए वहां। तो भगवान वहां पे, तभी कभी एक पक्षी आ गया छोटा सा, वो भगवान कृष्ण के पैरों में गिर पड़ा और बोला, बोला भगवान मेरे जो मेरा ना घोंसला गिरा दिया एक हाथी ने, और इसमें अंडे, इनको बचा लो। तो भगवान ने कहा, भैया ये तो विधि का विधान है, मैं कैसे चेंज कर लूं। तो उन्होंने कहा, भगवान ऐसी बात ऐसी है कि मैं आपको समर्पित करती हूँ। तो भगवान देखो ऐसा है, अगर भगवान को कोई चीज़ समर्पित कर दी जाए ना, फिर आप बेफिक्र हो जाओ, है ना। अभी जैसे अभी हमारे गुरुदेव के मुखारविंद से भी सुना है मैंने, उड़ीसा में जैसे अभी क्या होता है, या कहीं भी बहुत जगह में जब कोई छोटा बच्चा मरने वाला होता है ना, जब डॉक्टर बोल देते हैं भैया इसे हम नहीं बचा सकते, हम भगवान ही मालिक है, तो लोग क्या करते हैं, उसको किसी चीज़ के ऊपर, सूप के ऊपर रखे और भगवान को दिखा के बोलते हैं, भगवान हम इसे आपको समर्पित करते हैं। तो क्या होता है, बच्चा बच जाता है, वो बच्चा बच जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं और लोग इन चीज़ को बिलीव भी करते हैं, और होता भी है, जो बच्चा बिल्कुल मरणासन हो ना, उसको भगवान को अर्पित कर दो तो बच जाता है। लेकिन वो किसी तरह से वो सही नहीं हुए, तो हमारे देश में ये नियम है, जब सही नहीं हुए तो कि सूप को ऊपर सुला करके उनने जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया, बोले जगन्नाथ जी अभी तो हमसे बस से बाहर, ही तो मरने वाला है। फिर उसको पानी लेकर चारों तरफ में ये करके, हाँ, छिड़का करके, अगर ये बच्चा बच जाएगा तो ये बच्चे को हम हमारी सेवा में दे देंगे। भगवान को अर्पण कर दिया ना, अर्पण कर दिया तो जब से, जिस समय से उन्होंने जगन्नाथ जी को, हमारे देश में तो जगन्नाथ जी है, सब चीज़ में जगन्नाथ जी, सब चीज़ में जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, सब सब चीज़ में, क्योंकि हमारे देश में देखो ना, जगन्नाथ जी को अपना प्राण मानते हैं, जैसे ब्रज में कृष्ण को प्राण मानते हैं, हमारी हमारी पुरी में जय जगन्नाथ, वह हर चीज़ में जय जगन्नाथ जी हैं, क्योंकि जगन्नाथ ही कृष्ण, कृष्ण ही जगन्नाथ जी। जब उनको अर्पण कर दिया, जिस दिन से अर्पण कर दिया, जिस समय से अर्पण कर दिया, वो बच्चा का शरीर अपने आप सही होने लग गया, अपने आप सही होने लग गया, वो बच्चा मरा नहीं, जिंदा हो गया, मरते हुए बच्चा जिंदा हो गया। अरे हम लोग 6 भाई थे, 6 भाई में वो तीसरा भाई, लेकिन वो इतना बढ़िया बना, 6 भाई में सबसे, हमारी जो कलाकारी है ना, जो आर्ट है, जैसे मूर्ति बनाते हैं, वो इतने एक्सपर्ट बना,
कभी जगन्नाथपुरी गए हो? कौन कौन पुरी गए? वहाँ पर हमारे जो गुरु जी की बड़ी गुरु जी का जो मठ है ना, वो देखो जो कारीगरी देखोगे वो भैया ने कुछ बनाया उसमें हैं, इतने अच्छे बने, सबसे बढ़िया बने भैया, सबसे ज़्यादा पैसा उसने कमाया। उसमें क्या हुआ, उन्होंने बोल दिए कि बच्चे को हम ठाकुर को दे देंगे। उस समय तो छोटा बच्चा था, जब थोड़ी सी बड़ा हुआ तब उसको फिर बोल दिए थे हमारे देश में नियम है, जो चीज़ हम ठाकुर को दे देते हैं उसको लेकर ठाकुर को दे देनी चाहिए। अगर ठाकुर को नहीं दोगे ना, फिर अनहोनी होने लग जाती है, घर में बड़े अनहोनी होने लग जाती है, बीमारी और तरह तरह का गड़बड़ी होने लग जाती है। इसलिए नियम है ठाकुर का जो वस्तु है ना, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ठाकुर का सेवा की वस्तु का भी अपहरण नहीं करनी चाहिए। जैसे पारद खा लो ना, वो फूट करके निकलेगा, उसको कहीं तुम छुपा करके नहीं रख सकते। पारद खाओगे तो कहीं वो फोड़ करके निकलेगा। इसलिए जो भगवत संपत्ति को कभी भी अपहरण नहीं करनी चाहिए, ये एकदम पारद जैसे ये भगवान की संपत्ति। बल्कि जितने हो सके हमसे बन पड़े ठाकुर का सेवा करो, ठाकुर का नाम करके व ठाकुर का सेवा की वस्तु को कभी भी अपहरण नहीं करनी चाहिए। नहीं तो चक्रवर्ती सूद होता ना, चक्रवर्ती ब्याज के साथ में फिर निकलेगा, इधर तो नहीं जाओगे दूसरे तरफ में, ऐसे बीमारी ऐसे दुख कष्ट ऐसे अनहोनी होगी, वो चक्रवर्ती ब्याज को साथ में निकाल कर ले जाएगा। इसलिए हमारे देश में कोई चीज़ को अगर अर्पण कर देते हैं ठाकुर जी को, कहते भैया ये ठाकुर जी का हो गया, कभी इसमें हाथ मत लगाया करो, कभी हाथ मत लगाया करो, क्योंकि ये ठाकुर जी की अर्पण कर दिया। अभी क्या हुआ, ठाकुर जी को तो अर्पण कर दिया, अभी वो बच्चे को तो देनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, वो बच्चे को लेकर किसी मंदिर में छोड़ा है, लेकिन वहाँ पर एक माता जी रहती थी। अभी छोटा बच्चा है, हर बच्चा क्या हो गया, बैठ चुप जाओ, ऐ क्यों खड़े हो बैठो। इसलिए क्या हुआ, जब उन्होंने बच्चे को लाड़ प्यार चाहिए, लेकिन जिस मंदिर में छोड़ कर गए ना वहाँ पर एक माता जी थी, लेकिन सही सही उसने बच्चे को देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं वो बच्चा को छोड़ करके आते हैं, फिर बच्चा घर भाग आता है क्योंकि उसको प्यार नहीं मिलता है। फिर छोड़ करके आते हैं, फिर वो भाग आता है, छोड़ आते फिर भाग आता है, हैं। जब ऐसे करने लग गए, किसी तरह से उसने रहा ही नहीं, फिर वो बच्चे को फिर हमारे घर में ले आए। फिर जब रहता नहीं क्या करें, जब घर में ले आए फिर क्या है, अगर बच्चे को तो बोल दिया था देने के लिए, फिर तो घर में वापस ले आए, फिर क्या करेंगे। फिर उन्होंने परिवार को साथ में, फिर वहाँ पर एक नियम है, वहाँ पर एक मंदिर है जगन्नाथ जी की, वहाँ पर फिर जाना पड़ता है। जा करके वहाँ पर सब साधु संतों को सेवा करते हुए, ठाकुर को उत्सव देते हुए, ठाकुर को ये सब काम करते हुए, फिर वहाँ से मुक्त कराना पड़ता बच्चे को, है बच्चे को फिर मुक्त करा के ले आओ। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर दो बार लेकर गए, फिर साधु संतों की सेवा करवाए, और सेवा करवा करके वहाँ पर भोजन दे करके कुछ उन्होंने प्रणाम उनको दे करके ठाकुर जी को सेवा में दे करके फिर वो बच्चे को दो बार उन्होंने अपना घर में ले आए, और वो भैया सबसे अच्छे बने। इसलिए हमको उसको उनका नाम जो बाबा जी साधु बोल दिया ना, तुम इसको साधु कर देंगे, इसलिए अभी भी गाँव में इसको बाबा जी जानते हो कि नहीं, जो साधु संत उनको बाबा जी कहते हैं, इसलिए कहती है बाबा जी हाँ इसका नाम। लेकिन वो भाई तो गए नहीं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था ना बच्चे को देंगे, लेकिन वो भैया तो गए नहीं, फिर वापस ले आए क्योंकि वो रहा ही नहीं। फिर उसमें किसी बच्चे को देना ही था, फिर लास्ट में किसी तरह से घूम घाम करके ना वो किसी तरह से मेरे और घूम घाम करके फिर हमारे गाँव में एक मठ से साधु आए, और उसको देख करके मेरे को इतना अच्छा लगा, इतने जीवन आनंद मृदंग बजा करके इतने सुंदर कीर्तन करता था, कम उम्र के बच्चा था, बड़ी सुंदर कीर्तन करता था, हमारे गांव में आता था भिक्षा करने के लिए, उसको देख करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। बोले भैया संतों का जीवन तो बड़ा आनंदमय जीवन है, बड़ा सुखमय जीवन है। फिर किसी तरह से मैं ही घर से फिर साधु बन करके आया। इसलिए सचमुच से अगर ठाकुर जी को कोई चीज़ अर्पण कर दो ना, बस वो वस्तु हर समय फलते फलता रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। कहते ना जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह वैरी हो। इसलिए इसका बड़ी महत्व। हरे कृष्णा। तो देखिए जब उस चिड़िया ने क्या करा, उस पक्षी ने भगवान कृष्ण को बोल दिया कि भगवान ये अब आपको अर्पण है, अब आप देखो मैं नहीं जानती, अब भगवान दुविधा में पड़ गए, अब तो मुझे अर्पण कर दिया, अब क्या करें। तो भगवान ने कहा ठीक है एक काम करो, कल से 18 दिन तक के लिए लॉकडाउन लगने वाला है, तो
तुम क्या करो 18 दिन का राशन अपने पास इकट्ठा कर लो। चिड़िया ने कहा ठीक है भैया, जो पक्षी था उसने कहा ठीक है। उसने अपने घोंसले में अनाज जो भी अपना खाने पीने का 18 दिन के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब जिस दिन युद्ध था, युद्ध के सबसे पहले दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा अपना गांडीव जो धनुष बाण है मुझे दो, और वो लिया भगवान ने युद्ध से पहले और एक तीर मारा। और वो कहाँ पे मारा, जो अश्वत्थामा हाथी था ना उसके गले में जो घंटी थी उस पर मारा, और वो घंटी जाके धम से जाके गिर गई बस। और भगवान ने वो चिड़िया से क्या बोला मन में कि वो घंटी कहाँ गिरी, वो सीधा गिरी उस चिड़िया के घोंसले के ऊपर। और भगवान ने उसे मन में कहा कि बाहर मत आना, बाहर क्या है कोरोना, कौरव सेना, बाहर है कौरव सेना, ठीक है बाहर मत निकलना और तुम वहीं रहो। और वहाँ चिड़िया अंदर लॉकडाउन हो गई। अब अर्जुन ने भगवान से बोला भगवान ने आपने कैसा तीर चलाया, ये तो हाथी नहीं मरा, लो मैं मारता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, मेरा काम हो गया, तुम अब युद्ध की तैयारी करो। अब जब 18 दिन हो गए, अब युद्ध चल रहा है बीच में, तो उसके बीच में क्या हुआ, द्रोणाचार्य जी मारे गए। जो अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया, उसने क्या करा एक अस्त्र निकाल के मार दिया। कौन सा अस्त्र था किसी को याद है, एक नहीं नारायण अस्त्र, लास्ट नहीं एक नारायण अस्त्र मारा। तो जब वो अस्त्र मारा तो अर्जुन ने उसका प्रतिकार के लिए दूसरा तीर निकाला, तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं शांत बैठ जाओ कुछ मत करो। और वो अस्त्र ऐसा था, वो अस्त्र आ रहा है और सारी सेना को जलाता हुआ आ रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन सबको रोको, सबको बोलो अपने अस्त्र शस्त्र डाल दें, कोई अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, सबको मना कर दो। अर्जुन ने बोला सबको कि अपने अस्त्र शस्त्र डाल दें, कोई युद्ध नहीं करेगा, सबके सब शांत बैठ जाओ। लेकिन भीम ने कहा नहीं, मैं भीम तो भाई उछलने लगे, नहीं मैं मारूंगा, और भाई मारने के लिए जाने लगे। अब भीम के सेना को अस्त्र जलाता हुआ आने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा अरे बड़े भैया भीम शांत हो जाओ, शांत मत जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता इस अस्त्र का। तो भगवान ये बता रहे हैं जब ऐसी स्थिति आ जाए ना कि कोई कुछ नहीं कर सकता तो क्या करो, शांत बैठ जाओ। और क्या करो, भगवान ने क्या कहा, हाथ जोड़ लो सबके सब, सारे सिपाहियों को बोला और सबको बोला हाथ जोड़ लो। जब ऐसी स्थिति आ जाए ना कि कोई कुछ नहीं कर सकता जैसे अभी है, तो सिर्फ क्या करो हाथ जोड़ लो। और उन्होंने क्या बोला, भगवान का नाम करो, भगवान का स्मरण करो। ये भगवान ने बोला ये युद्ध के बीच में जब ऐसी स्थिति आ जाए सब सब संसार जलने लगे। अभी संसार जलित हो रहा है, अभी देखो पहले क्या होता था, लोगों को राम नाम सत्य करते हुए ले जाते थे, अब तो क्या कर रहे भट्टी में जला दे रहे सीधा। मुंबई में 500 केस ऐसे हैं जिनके कोई परिवार वाले लेने नहीं आए उनको, क्यों कि भैया कोरोना है, तो उन्होंने क्या करा उनको भट्टी में जला रहे, लोग लेने नहीं आ रहे अपने परिवार वालों को, तो ऐसी स्थिति लोग जल रहे। तो भगवान ने क्या बोला, भैया स्थिति खराब है, सबके सब अपने हाथ अस्त्र शस्त्र डाल दो, ज्यादा उछलो मत कि कोई सोच रहा है कि भैया नाक में नींबू डाल दूंगा, मैं सरसों का तेल डाल दूंगा, भाप पी लूंगा, ऐसे भैया कुछ मत करो, सिंपल हाथ जोड़ लो अब भगवान का नाम करो और देखो क्या होगा। धीरे धीरे जब अस्त्र आया उसने देखा कि सब शांत है, भगवान का नाम जप कर रहे, वो अस्त्र शांत हो गया। फिर जब 18 दिन हो गए, युद्ध खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, भगवान ने अर्जुन को बोला चलो, तो अर्जुन को बोला घंटी उठाओ। तो जैसे ही अर्जुन ने घंटी उठाई तो उसमें से वो जो पक्षी था उसके अंडे बच्चे निकल चुके थे, और वो आए और भगवान की परिक्रमा करने लगे। तो अर्जुन तब समझा कि भगवान जो करते हैं कुछ अलग ही करते हैं, और भगवान की जो इच्छा है जिसको बचाना चाहेंगे उसको बचा सकते हैं, और जिसको मारना चाहे क्षण में मार सकते हैं। देखो जो ये थे भीष्म, जिनका इच्छा मृत्यु का वरदान था, है ना, जो अपनी मर्जी से मर सकते थे, भगवान ने उनको मरवा दिया, है ना। और जो पांडव थे, तो बताया जो पूरे जो महाभारत था उसमें दो ही लोग बचे, 5 पंडे और तीतरी के अंडे, जो तीतर था पक्षी उसके अंडे, और कोई नहीं बचा, क्यों, उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की थी तो यही बचे। तो आप बता रहे हैं कि भगवान जो है ना वो विधि का विधान भी चेंज कर सकते हैं। जो आपका लिखा है ना कि आपको अब होना है ऐसा होना है ऐसा होना है, वो भगवान और संत ये लोग इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि भैया तो साधु लोग भी तो मर रहे, तो भैया मर तो सभी रहे, मरना तो सबको ही है, लेकिन इसमें बताया कि दो एक बिल्ली होती है ना, बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है, उसका मुंह पकड़ लेती है, मुंह पकड़ के ले जाती है। जब हम छोटे थे ना तो हम सोचते थे यार बिल्ली अपने बच्चे को खा रही है,
लेकिन खा नहीं रही, उसको उठा के एक स्थान में ले जाती थी, बच्चा बड़ा आनंद से रहता था। लेकिन वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है ना उसी मुंह से तो उसके प्राण निकल जाते हैं, बिल्ली वही है। तो सेम ऐसा ही है भक्त और अभक्त के साथ। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग खुद, हम सब लोग यहाँ क्यों है, हम मरने की तैयारी के लिए, हम मरने की तैयारी करने के लिए यहाँ आए। आप बोलोगे मरने के लिए, हम तो जीने के लिए आए। देखो दुनिया में एक चीज़ चल रही है, क्या बोलते हैं कि हमें आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, लाइफ जीनी है, इंजॉय करना है, कैसे, और सीखो आर्ट ऑफ लिविंग। संसार में चल रहा है आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला सीखें। सुबह उठे, योगासन करें, जूस पिए, हैं ऑफिस में जाए, खूब मेहनत करें, पैसे कमाएं, रात को च्यवनप्राश खाएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें, आर्ट ऑफ लिविंग जियो, जिंदगी जियो। लेकिन भैया हम कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग सो लिविंग, एक होता है लिविंग मतलब रहना, एक होता है लिविंग छोड़ना। हम लोग जो है ना संसार छोड़ने की कला सीखना चाहते हैं। क्यों सीखना चाहते हैं, कि मृत्यु है ना, मृत्यु वही सत्य है वास्तव में और वही अटल है। तो हम चाहते हैं जो मृत्यु हो ना, वो हमारी मृत्यु कैसी हो, तो भगवान भगवद्गीता में बता रहे अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रियति समद्भावति नास्ति यत्र संशय। अंतिम समय में जो मेरा नाम लेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय मत करना। तो हमें क्या करना है, भगवान का नाम करना है और भगवान का नाम करते ही करते ही संसार से पार होना है। देखो रहेगा तो कोई नहीं, लेकिन सफल मृत्यु, सफल मृत्यु, मरेगा हर कोई जाएगा, लेकिन सफल मृत्यु यही है भगवान का नाम करते हैं, भगवान का ध्यान करते हुए इस संसार से चले जाएं। और हमारे जो गुरुदेव है, जो भवसागर है ना, उसके जो नाव होती है उसके कैप्टन है, लेकिन उस नाव में कौन चढ़ेगा, जिसके पास टिकट होगी। टिकट क्या है, भगवान का नाम। तो एक बार जोर से बोले मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। आपको ना कथा यही विश्राम कर लेते हैं। देखो आज तरबूज पानी में भिगा कर रखा जाओ, तो दो चार भक्त जाओ जाकर इसको काट करके तुलसी पत्ता देकर ले, कल फिर कथा सुनेंगे, ठीक है। आप लोग आज यहीं पर दे देते, आप लोग घर में जाना पड़ेगा, शायद बारिश बारिश आ सकती है। हाँ आज आप बार जाओ तो दो चार जाओ बच्चों, हाँ उसको उसको अमनी आकर के सुनो भोग न, तब तुलसी पत्ता दे दियो, ठीक है जी, ठीक है। भोग पाई नहीं आसो और सब बांटी दियो, शीघ्र शीघ्र बांटी दियो, अब दी अंक भाई टिके नहीं आ सो भोग भाई, आ जाओ दो चार बच्चे चले जाओ, जा करके जाओ तो बच्चे जाओ, उसको अमनी आकर के फटाफट ले आओ और भक्तों को दे दो। बोला हाय रे, हाँ देखो हमारे गांव में ना, उन्होंने जो बात बताई, मैं एक गांव का बच्चा हूँ, एकदम पूरे गांव के, जब हमारे गांव में तरह तरह का दुख कष्ट होने लग जाता था, हैजा महामारी, आपको पहले पता होगा जब हैजा ये होता था, हैजा समझते हो, डायरिया होता था, गांव के गांव ख़त्म हो जाता था, एक व्यक्ति को जला करके आए दूसरे पड़ा हुआ, दूसरे को जला करके तीसरे पड़ा हुआ, उस समय तो इतना कोई मेडिसिन का कोई एडवांस स्थान नहीं गाँव के, अगर हमारे गाँव में किसी गांव में एक व्यक्ति को हैजा हो गया, डायरिया, सारे आस पास से गांव कांप उठते थे, डर से घर से कोई बाहर नहीं निकलते थे, हैं किसी घर, हमारे देश में सब झोपड़ी फोपड़ी से घर होता था गांव के एकदम पूरा, हैं जो क्या होता था, कहीं आग लग गई, कहीं दुख कष्ट, फिर हमारे गांव में लोग क्या करते थे, जो मृदंग बजाते ना, मृदंग और ये मजीरा लेते थे, ये मृदंग मजीरा लेते थे और लेकर के सबके सब गांव गांव में कीर्तन करना शुरू करते थे, ठाकुर का नाम कीर्तन करते थे। जब ठाकुर का कीर्तन करते थे, धीरे 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 ये जितने दुख कष्ट होता था अपने आप खत्म हो जाते थे, अपने आप सारे दुख कष्ट चली जाती थी। कहते ना मंगल भवन अमंगलहारी, हमारे गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक पत्थर उठाओ और पानी में फेंक लो, क्या होगा, उसमें लहरी आएगी, है फिर दो बार लहरी आएगी। उसी तरह जो भगवान के नाम जब करते हैं, ये शब्द ब्रह्म है, हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए कहते सर्व अमंगल दूर हो जाती है, हैं सर्व व्याधि उपशमनम, सर्व दुख उपशमनम, सब दुख दूर हो जाता है, बोले शांतिदम शांति मिलती है, शांतिदम। और क्या होता है, कहते जितना दुख कष्ट को दूर करके जीवन में परम शांति ठाकुर का नाम ले आते हैं,
इसलिए हमारे गांव गांव में सब कीर्तन करते थे, फिर कुछ दिन बाद में सब अपने आप शांत हो जाता था। इसलिए अभी ये जगत है, चूँकि जगत में कुछ साधु लोग है हरि भजन करते। हाँ, एक विदेश, अभी मैं वृंदावन में था ना, एक विदेश माता अमेरिका से वो बोल रही थी, बोले ऐसे 100 साल पहले भी ये स्थिति कभी आई थी, वो बोल रही थी, हैं हाँ प्लेग वो आई थी, ठीक ऐसे आई थी। उसी समय में वो बोल रही थी, उसी समय में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये सब के सब अपना घर से निकले, घर से निकल करते हुए रोड में ये जो मजीरा मृदंग लेकर रोड में कीर्तन किया। कभी ये 100 साल पहले जब भगवान के सब एक साथ में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब घर से निकल करके हरिनाम कीर्तन शुरू किया, कीर्तन किया तो धीरे धीरे सब दुख धीरे धीरे सब खत्म हो गया। इसलिए अगर हम भगवान भजन करें, हरिनाम करें, सब हमारी दुख कष्ट दूर हो जाएगा। ठीक है, हाँ आप लोग जाते समय सब उसे प्रसाद लेके जाना, प्रभु जी सबको ज़्यादा करके खिलाओ, सबको ज़्यादा करके दो। ठीक है, जाओ बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। Gracias.